नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़कों पर सख्ती से नियमों का पालन करने की नसीहत दी जा रही है, जिसमें आए दिन लोगों की जेब पर खतरा मंडरा रहा है। पहले खबरों की सुर्खियां थी, नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई शहरों में भारी चालान कट जाने की, लेकिन अब दिल्ली से सटे नोएडा में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति की गाड़ी पर डंडा मारा, जिसके बाद चालक गाड़ी से बाहर आया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के इस व्यवहार पर चालक ने नाराजगी जताई, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और उसी दौरान युवक को दिल का दौरा पड़ा और अचानक युवक सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मृतक का नाम गौरव है, जो कि नोएडा में रहता है। युवक गुड़गांव की एक नामी सॉफ्ट कंपनी में मार्केटिंग अधिकारी थे। ये मामला रविवार की उस शाम का है, जब वो अपने माता पिता के साथ इंदिरापुरम में रह रहे किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से युवक की कहासुनी होती है और युवक की मौत हो जाती है। इसी दौरान युवक को गिरता देख ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां से भाग निकलता है। तो आप बताइए, इस तरह की व्यवस्था कौन से नए मोटर वाहन अधिनियम के अंदर आने चाहिए, जहां लोगों में चालान कटने का इतना खौफ बैठा दिया जाए कि लोगों की बीच सड़क पर मौत हो जाए। खैर, अक्सर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से कभी सीट बेल्ट पहनने तो कभी हेलमेट पहनने को कहते हैं, और जो लोग इसका पालन नहीं करते उन्हें ट्रैफिक पुलिसकर्मी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हैं, जिससे संबंधित जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। कई बार टीवी विज्ञापनों के माध्यम से भी लोगों को सचेत व जागरूक किया जाता है, ताकि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रख सके। लेकिन जब जान की सुरक्षा करने वाले ही मौके से भाग खड़े हों, तो इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।